हेलो फ्रेंड्स, द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर रजिस्टर करते समय जो ईमेल आईडी पुट करता है या ईमेल आईडी जो उसमें फॉर्म में आपके डालता है, तो वो ईमेल आईडी यूनिक है कि नहीं। मतलब कि डेटाबेस से हमें चेक करना होगा पहले कि वो जो ईमेल आईडी भर रहा है फॉर्म में वो यूनिक है या नहीं, वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें एक डेमो देखते हैं। जैसे ये हमारा डेटाबेस है, इसमें एक ईमेल आईडी पड़ी है raghav@gmail.com। तो हम चेक करते हैं इसमें, ठीक है, वहीं से इनपुट करते हैं raghav@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे कोई पासवर्ड हम डाल देते हैं, ठीक है। सबमिट करते हैं फॉर्म को। तो सबमिट किया हमने फॉर्म को, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिस ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर हम दूसरी ईमेल आईडी को ही पुट करते हैं, मान लो अभी हमने ये पहले से ईमेल आईडी पड़ी है, इसकी जगह पे हम कुछ और डाल देते हैं, ठीक है, पासवर्ड हमने पुट किया, तो ये ईमेल आईडी नहीं पड़ी है। him4435 यहाँ पे देखो कोई नहीं है, him है लेकिन him4435 नहीं है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो इस केस में क्या आता है, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो आप देख लो यहाँ पे सेव हुआ है कि नहीं डेटा में, डेटाबेस में। तो ये है him4435@gmail.com। तो ये क्या हो गया, सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। अगर सेम ईमेल आईडी नहीं है, यूनिक है, तो सक्सेसफुली सेव हो गया। तो आइए हम इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या क्या किया हुआ है, हमने ये जो व्यू है या फिर जो हमारा फॉर्म है वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। साइनअप पेज, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तीन चीज़ें हमने दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की हेल्प से हमने फॉर्म बनाया है। यहाँ पे यहाँ से है साइनअप, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी कैसे हम सेट करते हैं, मतलब कुकीज़ की हेल्प से इसको हम सेट कैसे करते हैं, और पासवर्ड जैसे हमें चेंज करना होता है तो कन्फर्म पासवर्ड कैसे मैच कराते हैं, और ओल्ड पासवर्ड को डेटाबेस से कैसे मैच कराते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये हो गया तीन चीज़ें, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रिमेंबर मी, यहाँ हमने बटन लगा रखा है, ठीक है। तो हमने इसमें एक्शन क्या दिया हुआ है फॉर्म में, ये रहा फॉर्म में एक्शन दिया है, लॉगिन कंट्रोलर का नाम है और सेव फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो आ जाओ लॉगिन यहाँ पे। तो पहले हमने क्या कर रखा है, ये कंट्रोलर है, कंट्रोल में कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है, मॉडल लोड कराया है और लाइब्रेरी हमने सेशन लोड कराई है। वैसे सेशन मैंने पहले से लोडेड है तो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉडल लोड करा दिया, और इंडेक्स में हमने क्या दे दिया है, इंडेक्स फंक्शन में साइनअप पेज जो है, ये व्यू हमने बनाया है जो, उसको हमने यहाँ पे लोड करा दिया है, ठीक है, इंडेक्स में। जैसे ही आप इस कंट्रोलर को रन करोगे तो व्यू पेज लोड हो जाएगा, ठीक है। अब सेव में हमने क्या फंक्शनलिटी लगाई है, यहाँ पे पोस्ट में आ रहा है, ठीक है, मेथड हमने पोस्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, मेथड पोस्ट है और यू आर यहाँ पे है। सेव में क्या हो रहा है, पहले हमने क्या किया, एक्सेसेस क्लीन कर लिया, मतलब कि अगर आप उसमें कुछ स्पेसेस दे रहे हो या फिर कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो इसको क्लीन कर देगा। तो ये सही तरीका होता है कि आप जो इन फॉर्म से जो आप डेटा भेज रहे हो सर्वर साइड डेटाबेस में सेव कराने के लिए, तो उसको क्लीन करने का या उसको फिल्टर करने का एक सही तरीका है, इससे आप कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया है, ये ईमेल आईडी हमने निकाल ली यहाँ से, ठीक है। ईमेल आईडी को हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो ईमेल आईडी अभी हम यहाँ से एंटर करा रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। तो ये वी मेल एम्प्लॉई क्या है, टेबल का नाम है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये टेबल है, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई टेबल का नाम है। तो यहाँ पे अब इसके बाद हमने क्या किया है, गेट नम रोज। तो अगर सेम ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती होगी तो कोई ना कोई हमें रो मिलेगी, कहाँ एक रो एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमने फंक्शनलिटी लगा रखी $isunique=isunique employee.vmail। एम्प्लॉई क्या है, टेबल का नाम है, वी ईमेल क्या है, कॉलम का नाम है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं इसमें, तो इस केस में क्या है, इसको हमने कहाँ पे कर दिया है, सर्वर साइड वैलिडेशन है, हमने क्या लिखा है, वैलिडेट में एरे बनाया है, फील्ड का नाम वी ईमेल है, लेबल ये क्या है, नेम जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है किसको वैलिडेट कर, ईमेल को, तो आईडी और नेम में हमने क्या दिया है, वी ईमेल, और जो लेबल है वो क्या है, ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिया हुआ है हमने वी ईमेल और लेबल का नाम ईमेल। तो ट्रिम कर रहे हैं, कोई अगर स्पेसेस है तो स्पेस को रिमूव कर देता है, रिक्वायर्ड है मतलब कि पुट करना रिक्वायर ही है,
ईमेल आई डालना और एक्सेस क्लीन यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे हमने किया है, डॉलर इज़ यूनिक हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई डुप्लीकेट ईमेल आईडी, आई मीन सेम ईमेल आईडी अगर एग्जिस्ट करती है तो डॉलर इज़ यूनिक में क्या आ जाएगा, इज़ यूनिक एम्प्लॉय डॉट वी ईमेल, ठीक है, ये यहाँ पे आके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट रूल, रूल हमने सेट कर दिया डॉलर। सबसे इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म वैलिडेशन की एक लाइब्रेरी होती है, तो ऑटो लोड में आप जाओगे, यहाँ पे क्या करोगे, लाइब्रेरीज में डेटाबेस आपने सेव करा रखा है, डेटाबेस लोड करा रखा है, सेशन जरूरी है और फॉर्म वैलिडेशन जरूरी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको कराना पड़ेगा और हेल्पर में आपको कराना पड़ेगा फॉर्म सिक्योरिटी, इसलिए एक्सेस क्लीन जो हमने लगा रखा है और URL जो बेस URL यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इज़ यूनिक हमने ये इतना फीचर लगा रखा है, आप ध्यान देना, ये है आपका जो यूनिक ईमेल आईडी के लिए जो कोड है वो इतना है यहाँ पे, और जो आपने वेरिएबल ले रखा है उसके साथ ऐड करा रखा है वैलिडेट वाले आयरे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेट रूल्स कर दिया, अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है तो हम क्या कर रहे हैं, सेट फ्लैश डेटा। सेट फ्लैश डेटा क्या करता है, ये क्या होता है, एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए क्या करता है, एरर आपको एरर सेट कर देता है, ठीक है। एरर यहाँ पे क्या हो गया, ये सेट हो गया है, और उसके बाद हमें रीडायरेक्ट लगाना होता है कि अगर एरर आ गया तो उसके बाद किस वाले पेज को ओपन करना है, ठीक है। तो ये हो गया कि एरर आया तो दिखाएगा दिस ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, और दूसरा केस है अगर एरर नहीं आ रहा है मतलब ईमेल आईडी यूनिक है, तो उस केस में क्या होगा, ये हमने एरे बनाया है और इसको हमने मॉडल में भेज दिया है सेव करने के लिए, और अगर सेव हो जाता है तो डेटा सेव सक्सेसफुली, और अगर कोई डेटाबेस का एरर होता है, सेव होने में प्रॉब्लम होती है, तो डेटाबेस एरर रिकॉर्ड हमने ये दिखाया हुआ है, ठीक है, और फिर हमने रीडायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। तो सिंपल सा बस इतना ही कोड है इसमें। तो ये मॉडल का कोड है, मॉडल में हमने डॉलर दिस डॉट डिबी डॉट इंसर्ट एम्प्लॉई रिक्वेस्ट जो वहाँ से एरे आ रहा है वो हमने यहाँ पे एंटर करा दिया है, अगर रिजल्ट ट्रू है तो ट्रू हमने रिटर्न करा दिया, फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही कोड है, यहाँ पे सेव कराना है आपको, ये है सेव का कोड है इतना, यहाँ पे आप वैलिडेट कर रहे हो और सेट फ्लैश डेटा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैश डेटा हम कैसे यूज कर रहे हैं, इफ़ डॉलर एरर, अगर एरर आ रहा है तो हमने इसमें क्या किया है, डॉलर दिस डॉट सेशन फ्लैश डेटा एरर, जो एरर नाम से हमने फ्लैश डेटा यहाँ पे सेट कर रखा है, एरर नाम से सेट कर रखा है और यहाँ पे सक्सेस नाम से सेट कर रखा है, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, अगर एरर आ रहा है तो एरर वाला मैसेज यहाँ पे हमने एको करा दिया है, और अगर सक्सेस आता है तो सक्सेस वाला मैसेज हमने एको करा दिया है, ठीक है। इसमें हमने कलर ले रखा है रेड, इसमें ले रखा है ग्रीन, ठीक है। तो इसको रन करके हम देखते हैं, फिर से नेम आप डाल दो कोई सा भी, ठीक है। ईमेल आईडी पहले हम यूनिक डालते हैं, पासवर्ड हमने कुछ भी डाल दिया, ठीक है। सबमिट किया हमने फॉर्म को, तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखो सेम ईमेल आईडी को हम पुट कर रहे हैं वहाँ पे, पासवर्ड डाल दो, तो इस केस में क्या होगा, ये ईमेल आईडी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो क्या दे देगा, एरर दे देगा, दिस ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि हम यूनिक ईमेल आईडी कैसे हम चेक करते हैं डेटाबेस में कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।